रानी लक्ष्मीबाई की 160वीं पुण्यतिथि के मौके पर कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका का पोस्टर जारी किया है। फिल्म में कंगना रनौत ने लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है। आज़ादी की पहले लड़ाई के दौरान अंग्रेजों संग लड़ाई में 18 जून 1958 को उनकी मौत हो गई थी। कंगना रनौत की टीम ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, आज़ादी की पहली जंग की हीरोइन देशभक्त और स्वाभिमानी का मिसाल है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था, उन्हें प्यार से मनुबाई कहा जाता था। झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर संग शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। पिछले साल मई में फिल्म को वाराणसी में लॉन्च किया गया, जहां लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कंगना ने फिल्म के लिए खास तौर पर तलवारबाजी सीखी है। बता दें, फिल्म की शूटिंग के दौरान वे एक नहीं दो बार घायल हो चुकी हैं। वैसे कुछ दिन पहले जयपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कर्णी सेना से जमकर विरोध हो गया था। आरोप था कि फिल्म में लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश अफसर के बीच इंटीमेट सीन दिखाया गया है। कंगना ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी सीन फिल्म में नहीं दिखाया गया है। फिल्म मणिकर्णिका पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, अब इसके अगस्त में आने की उम्मीद है। केवी विजेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है और कृष्ण ने इसका निर्देशन किया है। कंगना रनौत के अलावा सोनू सूद और अंकिता लोखंडे भी अहम भूमिका निभाते दिखेंगी। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।